अस्सलाम वालेकुम, हेलो वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। और आप देख रहे हो टेक अस्पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियोस वगैरह में कैसे नॉइज रिडक्शन कर सकते हो। वैसे YouTube की सीरीज का पार्ट तो नहीं, लेकिन आप YouTube की सीरीज का इसको पार्ट समझ भी सकते हो कि YouTube में बहुत ही ज्यादा अहम होती है ऑडियो, क्योंकि जब तक आपकी ऑडियो अच्छी नहीं होगी लोग आपकी वीडियो को स्किप कर देंगे और आपकी वीडियो को देखेंगे ही नहीं। तो इसलिए आज मैं आपको एक बहुत ज्यादा एक सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ। काफी लोगों को ये वाला तरीका पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो भी देख सकते हैं, और जिनको पता है वो भी देख लें। इसमें एक और सेटिंग भी बताने वाला हूँ, और ये बिल्कुल मैं आपको सब कुछ ये जो तरीका बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड फोन में बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अभी डायरेक्टली हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद, क्योंकि सबसे अहम स्टेप वही आपको वाला ऐप डाउनलोड करोगे तभी तो उस पर सारा काम करोगे ना, सबसे पहले आपने यहाँ पर चले जाना। यहाँ पर लिख लेना लेक्सिस ऑडियो एडिटर, तो ये वाला आपको मिल जाएगा। ये वाला काफ़ी लोग, तकरीबन हर बंदा इस वाले ऐप के बारे में जानता ही है। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो। मेरे पास पहले से डाउनलोड है, तो सिंपली मैं इसको सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। अगर देखो ये वाला वो ऐप है, इस वाले को मैंने सबसे पहले ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़्यादा परेशान मत होना, बिल्कुल इजी सा एक इसका स्टेप है। देखो सबसे पहले जो भी आपने फाइल में नॉइज रिडक्शन वाला इफेक्ट डालना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर चले जाना। और खाली नॉइज रिडक्शन वाला इफेक्ट हम इसमें नहीं डालेंगे, हम इसमें एक और इफेक्ट भी डालेंगे जो बहुत ही ज़्यादा क्लीन ऑडियो कर देगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देगा। उसके बाद मतलब अच्छी साउंड प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपने यहाँ पर चले जाना ओपन में। ओपन में जैसे ही जाओगे यहाँ पे आपके सामने कुछ जो है वीडियो शो हो जाएंगी, जो मतलब आप रिकॉर्ड करते हो। और अब जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ओपन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ओपन पे क्लिक करोगे देखो अब यहाँ के इसके साउंड इफेक्ट देखो कितने ज़्यादा ही ऊपर की तरफ गए हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ आएगी। और देखो जहाँ पर मैं बिल्कुल खामोश हूँ वहाँ पर भी देखो लाइन्स आ रही हैं, मतलब साउंड इफेक्ट उसके बीच में भी आ रहा है। तो हमें इसको सबसे पहले रिमूव करना है। आपने देखो प्ले करके देख लो, इसमें बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। उसके बाद आपने जो जब भी एडिट करने लगो तो सबसे पहले आपने इस वाले बटन पे क्लिक करना है, जो ये वाला बटन है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ 3 डॉट्स पे चले जाना है। 3 डॉट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक इफेक्ट मिलता है, यहाँ पर मतलब आपको एक सेक्शन मिलता है इफेक्ट का। आपने इफेक्ट्स वाले पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर नीचे जाओगे तो आपको सबसे पहले मतलब 4th-5th नंबर पे मिल जाते हैं। यहाँ पर वैसे तो आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें से खाली 2 करके दिखाऊंगा जो सबसे ज़्यादा बेस्ट और अच्छे लगेंगे। अगर आपको फनी करना है अपनी वॉइस को तो आप पिच वगैरह इसकी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर चेंज पिच का ऑप्शन आ रहा है। जितना माइनस साइड पर रखोगे उतनी आवाज़ पतली होगी, जितना प्लस मतलब माइनस प्लस कुछ होता है आप चेक करके खुद ही वो देख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है नॉइज रिडक्शन। हमें ये वाला हमारे वीडियो का टॉपिक है, तो इसलिए मैं आपको ये वाला दिखाऊंगा। आपने नॉइज रिडक्शन पे क्लिक कर देना है, और जो सेटिंग हुई है उस पर कुछ भी आपने नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे थोड़ी देर बाद देखो पहले से कितना ज़्यादा फर्क पड़ चुका है। देखो अब ये देखो ये वाली लाइन्स कितनी सीधी हो चुकी हैं, वाली लाइन्स पहले कैसी थी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो अंडू करता हूँ, देखो पहले लाइन्स कैसी थी और अब जो लाइन्स कैसी हो चुकी है। मैं दोबारा से वाला इफेक्ट डाल देता हूँ यहाँ पर नॉइज रिडक्शन का। तो फिर देखो अब रिजल्ट आपके सामने है कि कितनी ज़्यादा एक क्लीन और अच्छी ऑडियो हो चुकी है। मैं आपको ये वाली भी प्ले करके दिखा देता हूँ। क्योंकि जर्नी स्टार्ट करो तो मैं आप देखो उसके बाद जो है जब ये हो जाए तो उसके बाद आपने दोबारा से 3 डॉट्स पे चले जाना, इफेक्ट्स में चले जाना। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है इक्वलाइजर एम्पलीफायर। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपकी ऑडियो को बहुत ही ज़्यादा, ये नॉइज रिडक्शन नहीं करता लेकिन आपकी ऑडियो क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। उसके बाद आपने इस पर क्लिक कर लेना है, और दोबारा से सेटिंग्स को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करोगे ये वाला मेथड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आपकी ऑडियो थोड़ी वीडियो थोड़ी ज़्यादा छोटी है तो वो जो मतलब आपको अलग से ऑडियोस में नहीं, अगर आपकी कोई वीडियो भी होगी वीडियो की भी आप नॉइज रिडक्शन कर सकते हो। जैसे वाली वीडियो ही थी तो मैंने आपको करके दिखाई, आप ऑडियो भी सिलेक्ट कर सकते हो वीडियो भी। तो बाद जब आपकी देखो ऑडियो हो जाए तो बाद मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो ये कुछ टाइप है, उसके बाद आपने दोबारा से इस वाले बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ऊपर सेव का। सेव पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको देखो लेक्सिस ऑडियो एडिटर खुद ही आपको ये वाला फोल्डर खोल देगा। उसके बाद देखो सबसे अहम यहाँ पर आता है, आपको अच्छी अगर ऑडियो क्वालिटी लेनी तो आपने MP3 में सेव नहीं करना, इसको किसी भी फॉर्मेट में सेव नहीं करना। आपने सेव करना है WAV. फिर ये वाला होता है वेव का, आप कुछ भी कहो जैसे इसको प्रोनाउंस करो, लेकिन इसी वाले में आपने सेव करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप वीडियो को टाइटल वगैरह चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद आपने सिंपली कर देना है सेव पर क्लिक। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि गाड़ियों वगैरह का जो बहुत ज़्यादा हॉर्न का साउंड आता है उसको हल्का सा नॉइज रिडक्शन करता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं करता। और आपकी वॉइस भी अगर ज़्यादा नॉइज रिडक्शन वाला इफेक्ट दूसरी तीसरी बार अप्लाई करोगे तो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लैव माइक एक ले लो। लैव माइक सस्ता सा मिल जाता है, 100-200 या
300 तक का मिल जाता है। अब ये वाला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन मैंने 500 का लिया था, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप एक सिंपल सा माइक ले सकते हो, वो भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि यूट्यूब की वीडियोज़ में ऑडियो इतनी ज़्यादा अहम है जितनी एक दूध पत्ती चाय में चीनी। तो एक लैब माइक बाय कर लो, या फिर अगर नहीं कर सकते तो जैसे पहले मैं रिकॉर्ड करता था मेरी पुरानी वाली वीडियो जाके देख लो कि मैं कैसे उनको रिकॉर्ड करता था। अपने पास एक मोबाइल में जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता था उसके बाद मैं उसको एडिट कर लेता था कुछ टाइप से, इसलिए ऑडियो अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करो जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ये वाला फॉलो कर लो। और अगर आपके मोबाइल के कैमरे में आपका माइक नहीं चल रहा, जैसे मेरे मोबाइल में नहीं चलता, तो सिंपली आप डाउनलोड कर लो ओपन कैमरा। ओपन कैमरा नाम का एक एप्लीकेशन आता है, उसमें डाउनलोड करने के बाद सेटिंग में जाने के बाद, वीडियो सेटिंग में जाने के बाद, जो एक्सटर्नल माइक है ऑडियो सोर्स में जाने के बाद एक्सटर्नल माइक को सिलेक्ट कर लो, तो आपका माइक वो खुद ही सपोर्ट कर लेगा। सेव पर जैसे क्लिक करोगे अभी वाली ऑडियो आपकी सेव हो चुकी है। उसके बाद काइंड मास्टर में जाने के बाद आप अपनी वीडियो को म्यूट करो, और उसके आगे ये वाला उसके मतलब जो लेयर में ये वाला साउंड इफेक्ट मतलब ये वाला साउंड डाल दो, तो आपका एक बहुत ही ज़्यादा नॉइज रिडक्शन वाला एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा इफेक्ट लगेगा। होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक मस्ट कर देना, को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना। और हाँ यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, क्योंकि मैं वहाँ पर ज़्यादातर ऑनलाइन रहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो वहाँ। और बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि अपनी वीडियो को आप कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो, कि आपके व्यूअर्स को फुल देखें और आपका वॉच टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। मैं इसी तरह की यूट्यूब से कंटेंट रिलेटेड जो होता है लाइट रूम पिक्सआर्ट वगैरह की एडिटिंग में लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना। भाई को दुआ में याद रखना, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। इतने यूट्यूबर वाला ट्रांजिशन इफेक्ट यूज़ करते हैं, तो चलो यार मैं भी करके देख ले रहा हूँ, कोई मसला थोड़ी है।